दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। गैरकानूनी तरीके से कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड CDR हासिल करने के मामले में जैकी की पत्नी आयशा का नाम भी सामने आया है। जांच में पता चला कि आयशा ने स्टाइल फेम एक्टर की CDR गैर कानूनी तरीके से निकलवाए और इसे आरोपी वकील रिजवान सिद्दीकी को सौंपी। बता दें कि 57 साल की आयशा का नाम 40 साल के बॉलीवुड एक्टर साहिल खान से जुड़ चुका है। कुछ वक्त पहले खबरें आई थी कि शादीशुदा आयशा का अफेयर साहिल से चल रहा है। चौंकाने वाली बात ये थी कि शॉर्ट टाइम एक्टर रहे साहिल ने खुद ये दावा किया था कि उनका अफेयर जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ से था। हालांकि आयशा ने अफेयर की खबरों का खंडन किया था। साहिल ने आयशा के साथ अफेयर की बात पब्लिकली बताते हुए कहा था कि अब हम दोनों का ब्रेकअप हो गया तो आयशा उन्हें दिए महंगे गिफ्ट्स और हॉलीडेज पर खर्च किए गए पैसे वापस मांग रही हैं। आयशा ने साहिल के दावों को गलत बताया था और उनके खिलाफ मानहानि का मामला भी दर्ज कराया था। इतना ही नहीं, आयशा ने साहिल को के बताते हुए कहा था भला उनसे कैसे अफेयर हो सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए और भी रोचक खबरें।